नमस्कार मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। 97 41 13 85 इस पर आप टेट, सुपर टेट, सी टेट, SSC, नेट, GRF, लेखपाल, UP कांस्टेबल की जो वैकेंसी आ रही है, TGT, PGT, LT ग्रेड आदि के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ये नोट्स आपकी सफलता में सुनिश्चितता अवश्य लाएंगे, ऐसा मेरा वादा है आपसे। और आज तक मतलब जितने भी स्टूडेंट्स को मैंने ये मैटर उपलब्ध कराए हैं, सबसे बहुत ही बेहतर रिस्पांस हमें मिला है। और ये रिस्पांस ये बताने के लिए काफ़ी है कि इस मैटर को लोग कितना पसंद कर रहे हैं। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। कुछ छिछोरे टाइप के लोग जो है कहते नहीं, कुछ छोरे टाइप के लोग जो है कमेंट, मैंने जानबूझ के आप रखा है, क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं वीडियो पे तो उसके ईमेल जो है मतलब हमारे मोबाइल पे आते हैं, और हर बार मोबाइल गोई 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 करता रहता है। क्लास में है, पढ़ा रहे हैं, मोबाइल गोई गोई करने लगा है ना, तो ऐसा लगता है कि मतलब जो है कंसंट्रेशन विद्यार्थियों का भी टूट जाता है और हमारा भी, इसलिए हमने कमेंट ऑफ कर दिए हैं। आपको जो भी बातें कहनी है आप व्हाट्सएप पे कह सकते हैं। यदि आपके समस्याओं का निराकरण करने हेतु कोई समस्या आपकी आती है तो उसे मैं वॉच जरूर करता हूं, देखता जरूर हूं, और यदि रिप्लाई देने की आवश्यकता होती है तो मैं रिप्लाई भी कर देता हूं। लेकिन कुछ इसमें भी कुछ छिछोरे टाइप के लोग आ जाते हैं जो कि व्हाट्सएप पे भी ऐसा मतलब मैसेज करते हैं, लगता है कि मतलब वो सिर्फ हमारे चैनल के व्यूवर्स ही नहीं, वो मतलब ऐसा लगता है जैसे हमारा खर्च चला रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, ये अपनी अपनी मानसिकताएं होती हैं लोगों की, मैं जानता हूँ फ्रस्ट्रेट व्यक्ति हैं। जो व्यक्ति जब फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो उसको जो है मतलब सांप भी चूहा दिखने लगता है और शेर भी जो है उसको गीदड़ नजर आने लगता है, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन में है। तो ऐसे व्यक्तियों का फ्रस्ट्रेशन शायद ही मैं दूर नहीं कर सकता, वजह इसकी साफ है कि उनको मैं कितना भी समझाऊं, कितना भी उनको मोटिवेट कर लूं, एक नीति शतक में भर्तृहरि जी ने बहुत अच्छी सूक्ति लिखी है कि मूर्ख व्यक्तियों को ब्रह्मा जी भी प्रसन्न नहीं कर सकते, तो ये उसी टाइप के मूर्ख व्यक्ति हैं। ठीक है, जो कि मतलब किसी तरीके से वो मोटिवेट नहीं हो सकते, उनके रग रग में जो चीजें शामिल है वो सिर्फ डिमोटिवेशन है और फ्रस्ट्रेशन है। ऐसे विद्यार्थियों को, ऐसे लोगों को मतलब क्या कहा जाए, किस तरीके से क्या बताया जाए, उसमें चर्चे नहीं करनी। चलिए आज जो महत्वपूर्ण अपडेट है, आज अंजना गोयल जी से मुलाकात होगी, बातचीत की जाएगी, उनसे स्पष्टीकरण लिया जाएगा कि LT 2018 की नियुक्ति कब तक हो रही है। कला विषय के विद्यार्थी बहुत ज्यादा परेशान है, जाहिर सी बात है 2.5 साल से उनकी नियुक्ति लटकी हुई है, तो जाहिर सी बात है विद्यार्थियों का अगर फ्रस्ट्रेशन है तो वो गलत नहीं है। और सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आयोग की गलती का खामियाजा अभ्यर्थी को भुगतते हैं। आज फाइल आई, कल जा रही है, कल जीओ आ रहा है, परसों नियुक्ति मिल रही है, जो है मतलब ये हो रहा है वो हो रहा है, इन सारी चीजों से जो है मतलब अभ्यर्थी परेशान हो चुके हैं। वजह यही है कि 2.5 साल का एक लंबा वक्त बीत चुका है, सीनियरिटी गई, वेतन गया, सामाजिक प्रतिष्ठा अब जा रही है, जो शारीरिक और मानसिक कष्ट जो मतलब हुआ वो तो हुआ ही, लेकिन गांव में, समाज में, घर में, परिवार में, रिश्तेदारों में, हर जगह हो गया, भैया जो है फलाने का लड़का जो है LT ग्रेड अध्यापक हो गया, राजकीय विद्यालय GIC कॉलेज में हो गया, और पता लगा अब यार दोस्त मित्र भी, रिश्तेदार भी, गांव समाज के लोग भी पूछने लगे भैया पढ़ावे कब जाएगा। तो ये समस्याएं होती हैं। यदि इनका रिजल्ट पहले ही रोक दिया गया होता कि आप निश्चित अर्हता प्राप्त नहीं करते हैं इसलिए आपका रिजल्ट रोका जा रहा है, तो शायद विद्यार्थियों को इतना कष्ट नहीं होता। चूंकि रिजल्ट जारी हो गया, फाइनल मेरिट लिस्ट में आ गए,
फाइलें बन गई, फाइलों को जो है बाद में रोक दिया गया। अब सारी चीजें स्पष्ट हो रही हैं धीरे धीरे कि हाँ भैया आपके अंदर योग्यता नहीं थी, बीएड की योग्यता नहीं थी, इस वजह से आपकी फाइल रोक दी गई है। इन सारी चीजों का स्पष्टीकरण हमने जो है मतलब माननीय उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी के सामने इस पीड़ा को रखा था और इस पीड़ा का निदान करने के लिए मैंने उनसे साष्टांग दंडवत करके मैंने इस पीड़ा का निदान करने के लिए जो है प्रार्थना की थी उनसे, और इस पीड़ा का निदान निकल चुका है। आप लोगों को यथाशीघ्र नियुक्ति जो है मतलब मिलेगी और आप लोग निश्चिंत रहिए, बिल्कुल भी जो चीजें होनी है वो बेहतर होनी है। नियमावली में संशोधन आदि के लिए लोक सेवा आयोग प्रस्ताव बनाकर के शासन को भेज चुका है और यह नियमावली बहुत जल्दी ही संशोधित होगी। आपको बीएड की अनिवार्यता से छूट मिलेगी, प्रावधिक कला हो, टेक्निकल आर्ट हो, फाइन आर्ट हो, या आपके जो मतलब शेष ये बीएफए वाले हो विद्यार्थी, क्योंकि बीएफए की जो डिग्री होती है वो डिग्री एक प्रोफेशनल ही होती है, मतलब देखा जाए तो प्रोफेशनल डिग्री के ही क्राइटेरिया में आती है। तो जो भी चीजें हैं आयोग उसे स्पष्ट कर चुका है, शासन से जो है मतलब जीओ लेने की प्रतीक्षा है कि शासन का अगर जीओ जारी हो जाए तो इन विद्यार्थियों को नियुक्तियां मिल जाए। आज जो है जेडी कार्यालय में जाकर के मुलाकात करेंगे और सारी चीजें स्पष्ट की जाएंगी। सारी चीजें स्पष्ट करने के बाद जो है मतलब उनसे पूछा जाएगा कि नियुक्तियां आखिर कब तक इन विद्यार्थियों की हो रही है। आप लोगों को नियुक्तियां दिलाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, हमने आपसे कोई शुल्क नहीं लिया, हमारी आपकी जान पहचान नहीं है, हमारा आपका कोई रिलेशन नहीं है, ना ही मैंने जो है मतलब आपसे धन लिया है, ना ही आपसे जो है समय लिया है, ना ही आपसे जो है मतलब मैंने कोई सहयोग लिया है, फिर भी मैं आपके लिए प्रयत्न कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के नाते, सिर्फ और सिर्फ उस पीड़ा के नाते, क्योंकि मैं अभी एक अभ्यर्थी रहा हूं, तो उस पीड़ा को दूर करने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं। आप लोगों को नियुक्तियां बहुत जल्दी मिलेंगी, आप लोग निश्चिंत रहिए। इस बार एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती में प्रावधिक कला, टेक्निकल और फाइन शामिल होंगे अथवा नहीं होंगे, इस बाबत की भी जानकारी बहुत जल्दी स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि नियमावली में संशोधन आदि का प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है। हिंदी के विद्यार्थियों को राहत मिल चुकी है, संगीत के विद्यार्थियों को राहत मिल चुकी है, तो आप लोग निश्चिंत रहें, बहुत जल्दी ही आप लोगों का भी कल्याण होने वाला है। अध्यायतन लोक सेवा आयोग को प्राप्त हो चुका है और विज्ञापन बहुत जल्द ही आने वाला है, लेकिन इस बार का जो प्रारूप होगा वो प्रारूप कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा मतलब मुश्किल भरा दिखेगा लगेगा। वजह यह है कि सब्जेक्ट या तो वो सब्जेक्ट के क्वेश्चन बढ़ाए जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग भी बढ़ाई जा सकती है, वन हाफ किया जा सकता है या वन थर्ड किया जा सकता है, नेगेटिव मार्किंग का परसेंटेज भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हम लोगों ने नेगेटिव मार्किंग हटाने पर विचार करने के लिए कहा है कि नेगेटिव मार्किंग को हटा करके जो है मतलब एग्जाम कराया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। देखते हैं आयोग क्या मतलब इस पे फैसला लेता है, क्योंकि ज्ञापन में मांग पत्र में हमारे ये भी शामिल था कि नेगेटिव मार्किंग को जो है एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती से हटा दिया जाए तो विद्यार्थियों को थोड़ी और राहत मिलेगी। और सबसे बड़ी चीज ये है कि विज्ञापन डेट शासन को प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं, शासन बहुत जल्दी इसमें मंजूरी देगा और बहुत जल्दी आपका विज्ञापन भी आ रहा है। विज्ञापन आदि को जारी कराने के लिए जितने आप उत्सुक हो उससे कहीं ज्यादा हम परेशान हैं। वजह यही है कि विज्ञापन आ जाएगा तो अभ्यर्थी एक तरीके से तैयारियों में लग जाएंगे, लेकिन मैं आपको ये भी चीज बता देना चाहता हूं, लगभग 70% विद्यार्थी 70% विद्यार्थी तैयारियों में लगे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है विज्ञापन आना है। प्रदर्शन हो, अभ्यर्थियों की मांगे हो, सारी चीजों को लेकर के जो है मतलब शासन प्रशासन के सम्मुख जाया जाएगा और आप लोग निश्चिंत रहे, बहुत जल्दी ही आपका विज्ञापन भी जारी कर दिया जाएगा। पदों के अध्याचन संबंधित संस्थाओं को प्राप्त हो चुके हैं,
अब जो चीजें हैं नियमावली आदि में मतलब संशोधन आदि करके विज्ञापन को जारी करना है, क्योंकि लोक सेवा आयोग अपना परीक्षा कैलेंडर जो है 20 तारीख के बाद जारी करता है। तो जाहिर सी बात है कि इस बार के परीक्षा कैलेंडर में आपको एलटी ग्रेड भी देखने के लिए मिलेगा। और आज सुबह में मैंने जो जानकारियां दी हैं, एसडीआई के भी जो खंड शिक्षा अधिकारी का पद होता है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। इस बार बंपर वैकेंसी है खंड शिक्षा अधिकारी में, ठीक है ना, 2100 से लेकर के 2700 पद आ सकते हैं इसमें। तो आप लोग पूरी ईमानदारी से तैयारी करें, मोटिवेटेड रहें, डेडिकेटेड रहें और एलिवेशन के साथ अपनी तैयारियों पर ध्यान दीजिए, पढ़ाई करते रहिए। जो चीजें हो रही हैं, जो जिन चीजों में हम लगे हुए हैं, वो चीजें कंफर्म होंगी हमेशा ही, निश्चिंत रहें इसके लिए। एलटी ग्रेड की वेटिंग लिस्ट के बारे में अभी हम चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बारे में अभी हमारा प्रयास भी नहीं है। जो ज्ञापन देना था वेटिंग लिस्ट आदि को लेकर के, वो ज्ञापन मैं बहुत पहले दे चुका हूं। और अभी जो फोकस है वो नए विज्ञापन को जारी कराने पे है, ठीक है। और 2021 टीजीटी की वेटिंग लिस्ट कहां तक फाइनल होगी, इसके बारे में भी आज जानकारी लेने का प्रयत्न किया जाएगा माननीय सचिव नवल किशोर शर्मा जी से। और सबसे बेहतर चीज यह है कि मतलब अवशेष पैनल 2013-2016 की काउंसलिंग का जो मैटर है वो कब तक क्लियर होगा, कब तक इनका प्रोग्राम जारी किया जाएगा, ये सारी चीजें आज जो है मतलब उनसे क्लियर की जाएंगी। अभी विद्यालय का हमारे अवकाश होगा तो हम जा करके ये सारी चीजें जो है मतलब क्लियर करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, आज मुलाकात करेंगे हम उनसे। आप लोग ईमानदारी से पूरी तन्मयता के साथ तैयारी करते रहें। विज्ञापन आपका यथाशीघ्र आने चल रहा है, विज्ञापन की तिथियां दिसंबर माह में आपको देखने के लिए मिलेंगी। आपसे सिर्फ इतना निवेदन है मेरा कि आप सिर्फ पढ़ाई करते रहें, अपनी तैयारियों पर फोकस रखें, क्योंकि यदि आप तैयारी करेंगे तो आपकी एक सीट सुनिश्चित होगी और आपका जीवन जो है वो सफल होगा। और यदि आप तैयारी करने में कहीं पीछे हट गए, चूक गए, तो इस मौके को जो है मतलब गंवाने के बाद आप अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाओगे। ये मौका अंतिम मौका है, अंतिम अवसर है, इस अवसर का भरपूर लाभ उठाइए और अपनी तैयारियों को नया प्रतिरूप प्रदान कीजिए, नया धार प्रदान कीजिए, ताकि आपको सफलता अवश्य प्राप्त हो सके। बाकी आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, आपका जीवन है, आपका करियर है, आपकी सोच है, आपको तैयारी करनी है, आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है वो हम बता सकते हैं, मैटर आदि उपलब्ध करा सकते हैं, लेकिन तैयारी तो आपको ही करनी है। तैयारी तो हम आकर के करा नहीं देंगे कि भैया सार्थक वाले के पास कोई जादू की गुट्टी है, लो पी लो पूरा चीज कंठस्थ हो गया है ना। तो ये सारी चीजें आपको ही करनी है। लोग पूछते हैं कि सर सुपर टेट का विज्ञापन कब तक आएगा, तो मैं बताना चाहता हूं सुपर टेट का विज्ञापन आपका जनवरी माह में 3 तारीख तक जारी कर दिया जाएगा। इसके लिए शासन प्रशासन भी सहमत है, उनपे दबाव भी बनाया जा रहा है, सारी चीजें स्पष्ट की जा रही है, विज्ञापन यथाशीघ्र आएगा, निश्चिंत रहे। मैं हर वीडियो में आपको यही चीज की जानकारी देता हूं कि क्या प्रक्रियाएं चल रही हैं। अधियाचन आदि लेने की प्रक्रिया जो है समाप्त हो चुकी है, चयन बोर्ड के द्वारा भी शिक्षा निदेशालय द्वारा समस्त अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजे जा चुके हैं। तो आप किस बात की चिंता है, पहले तो कोई भी प्रक्रिया स्टार्ट नहीं थी, प्रक्रियाएं स्टार्ट हो गई तब तो आपको गनीमत हो जानी चाहिए कि हाँ विज्ञापन आएगा। तो विज्ञापन को लेकर के चिंता मत करिए बिल्कुल भी, विज्ञापन को जारी कराने के लिए हम लोग लगे हुए हैं, बस आप लोग अपनी तैयारियों पर फोकस करिए, चाहे वेटिंग लिस्ट हो चाहे संशोधन के लिए। संशोधन के लिए प्रयत्न किया मैंने, समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र को SST के दायरे में लाने के लिए, वो सफल रहा, LT ग्रेड में भी लगा हुआ हूं, देखता हूं कहां तक हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो है मतलब स्पष्ट हो जाती हैं और विद्यार्थियों के चेहरे पर जब थोड़ी सी सुकून भरी मुस्कान देखता हूं तो बड़ा सुकून मिलता है मन को। तो इसलिए कह रहा हूं तैयारी करते रहें, पढ़ाई करते रहें, लगे रहें, पढ़ाई छोड़ करके मत बैठ जाएं, एक नई शुरुआत करिए, एक नए आशाओं के साथ, एक नए आशा के किरण के साथ, एक नई उम्मीद के साथ कि आने वाला जो विज्ञापन होगा वो विज्ञापन आपको खुशी दे करके जाएगा, आपको सफलता दे के जाएगा। इस आशा इस उम्मीद के साथ जुट जाइए। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।